अच्छा मुझे एक बात बताएं जी कि 9 साल 12 साल 15 साल ये तो वो एज होती दिल चाहता है सोते रहो उठो तो फिर दोस्तों के साथ खेलो गुड़ियों के साथ खेलो तब से और ये मेहनत वाला काम है नव सब है तो तब से कुर्बानियां देना शादी में नहीं जाना भाई कजन्स की ढोलकियां नहीं अटेंड करना काम हो रहा है भाई वो एक्चुअली क्या है जब आपको किसी चीज की कोई एक फायर अंदर होती है ना तो वो आपको नहीं आपको चैन से बैठने नहीं देती और मुझे कोई पता थोड़ी था कि पैसे भी मिलते हैं इसमें मुझे तो ये था कि मुझे तो गाना है मैं तो गाना मतलब बड़ी अपने आप को समझती थी मैं तो सिंगर बनूंगी मुझे पता था कि इतना गाना आता भी तो मुझे इजाजत नहीं थी गाना कहीं स्टूडियो में जाके गाने की चलो चलो बस बच्चों के प्रोग्राम में गा लो तो ये नहीं पता था कि कुछ बन जाएंगे बस ये करना था मुझे ये करना है मुझे यहाँ जाना है और मजा आने लगा उसके बाद बहुत ही थोड़े अरसे में मैं बहुत प्रोमिनेंट बच्चों में आ गई और 20 रुपए ही मिल गए पहली दफा तो मतलब के 20 रुपए बच्ची के हाथ में 20 रुपए उस जमाने में आ गए तो क्या किया उन पैसों का वो तो पहले मम्मी को दे दी चेक वेक उसके बाद तो फिर जरा आहिस्ता आहिस्ता वो ही 90 हो गए जब तरक्की हो गई तो फिर मैंने कहा कि मुझे बताएं मेरे पैसों से मेरा क्या किया तो उन्होंने कहा चुप हो जाओ तुम हिसाब नहीं लोगी बस जो थोड़े से पैसे थे उससे कुछ चीज ले दी छोटी सी घड़ी मैंने बस इसमें आ गई घड़ी कभी ऐसा हुआ सोने की बालियां या कोई चीज आपकी कमाए हुए पैसों से अम्मी ने बना के उस वक्त हमें पता नहीं था सोने की बालियों का क्या तो नहीं पता होगा अम्मा तो नहीं उन्होंने घड़ी ले दी थी ना एक दफा मैं समझी वो 90 रुपए की है मैं ईद के दिन साइकिल चला रही थी मैं गिरी और वो टूट गई और मैं डर गई कि ये तो इतनी महंगी 90 रुपए की घड़ी मैं तो चली गई किसी दुकान पे वो करीब में थी मेरी दादी के घर की उन्होंने कहा ये 16 रुपए की नीलो घड़ी है और वो 90 अम्मी ने आपको 90 रुपए की कही अच्छा उन्होंने क्या किया कि सुंबल बड़ी थी ना मुझसे उसको अच्छी वाली ले दी उसमें से ना उनको कहा इसका क्या है इसको क्या मैं तो पिट्टी मेरे बाकी के पैसे गए उन्होंने चुप हो जाओ अम्मा से हिसाब करिए आपने सुंबल को दिलाई है मेरे पैसों से बस ऐसे हमारे जमाने में तो कैसे आपको सिखाया कैसे कि पैसे जमा करने हैं आप छोटी एज से जब पैसे कमा रहे होते हैं ना तो कभी कभार आपको नहीं पता होता किधर लगाने क्या पता नहीं मुझे ये समझ नहीं आती कि इसकी कोई ट्रेनिंग मुझे वैसे दी नहीं गई खास आप फजूल खर्च नहीं है मुझे पता है बिल्कुल फजूल खर्च इस तरह नहीं हूँ मैं बहुत शाखर्च हूँ लेकिन ये अल्लाह के करम से मेरे दिमाग में पता नहीं खुद ही से था ये नहीं हो सकता कि मैं कहूँगी मेरे पास पैसे खत्म हो गए बरकत ऐसी होती नहीं मुझे पता था कि मैंने ये 100 रुपए में से 50 रख के 50 उड़ा देने आपको भी खिला देने उसको भी चीज़ खिला ट्रेनिंग किसने अम्मी अब्बू से नहीं आई खुद ही खुद हाँ मेरे ख्याल मेरी अम्मी केयरफुल थी लेकिन तलखीन वगैरह कोई नहीं की किसी ने ये मेरे अपने अंदर ही था कि ये मैंने ऐसे करना है ऐसी आई थिंक सब लोग डिसिप्लिन्ड है कोई ऐसा नहीं है जो कभी किसी से उधार उधार नहीं 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 अब जाके तो कहीं 5-6 साल पहले बड़ी मुश्किल से क्रेडिट कार्ड बनाया मुझे पसंद ही नहीं है क्योंकि फिर बाहर के मुल्कों में आप ट्रेवल करते हैं तो वहाँ पे वो कैश पैसे नहीं लेते तो एयरपोर्ट पे खड़े हैं जी फिर जो मुझे छोड़ने जा रहा होता था उसको क्रेडिट कार्ड देना पड़ता था फिर शर्मिंदा होकर मैंने अब कैनेडा में बनाए हैं तो मेरा और यहाँ पे भी जो है वो बहुत कभी जरूरी हो तो मैं कुछ अस्सलामुअलैकुम मुझे कहते हैं जी हिरा मानी सब्सक्राइब करें यूट्यूब चैनल अगर आप ARY के ड्रामे देखना चाहते हैं और अपना बहुत ख्याल रखिएगा थैंक यू